मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, अब ध्यान से सुनो। तुमसे पूछ रहा है ए एंड बी के ऊपर फोर्स। हम एक दो चीज पूछना चाहते हैं, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ओमकार तुम बताओगे। ओमू, मैंने ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है ए का। किसका मैंने बनाया है? ए का। एक इसके ऊपर कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं मुझे बताओ। मैं गलत बना रहा हूँ, सही बना रहा हूँ, जल्दी से बताओ। एक एफ और दो एन, बोलो सही बात है कि नहीं है? कितने हाँ लोगों को सही लग रहा है? हाँ सही बात है सर। बात अरे बोलो भाई, हाँ सर, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। ओमकार के अलावा मैं बाकी बच्चे बोल बोले। रहा मेरा सर दर्द हो गया पूछ पूछ के। अरे बोलोगे भाई सभी लोग, मृणाली हाँ नहीं सर, बोलोगे? देखो सर वही क्या कैसे ये बोलते, गलत है, ये फ्री बॉडी गलत डायग्राम करना गलत है। कैसे। इसके ऊपर दो फोर्स काम कर रहा, वो भी ऐसे। मैं बोल रहा हूं एक के ऊपर कितना काम कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक किसके ऊपर धक्का दे रहा है। ये ए धक्का दे रहा है, ए के ऊपर काम नहीं हो रहा, इसकी वजह से बी के ऊपर काम हो रहा है, इसकी वजह से बी के ऊपर लग रहा है ये फोर्स। ये ए के ऊपर नहीं लग रहा, तो ए के ऊपर बस ये नॉर्मल लग रहा है, और ए के ऊपर बस ये फोर्स, सॉरी फोर्स का डायरेक्शन मैंने उल्टा निकाल दिया, और ए के ऊपर बस ये फोर्स लग रहा है, बस हो गया एफ 14 न्यूटन, बस और कुछ नहीं लग रहा। क्या मैं टोटल सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? यस। सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ नेट कितना है? 14 न्यूटन। मास कितना है? 4 2 6 1 7, सर 7, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें इसका एक्सेलरेशन पता है कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें इसका मास भी पता है। मास क्या है? मास क्या है? मास क्या है? 4 kg। 4 kg। क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। एफ को क्या लेना पड़ेगा? प्लस में। एन को क्या लेना होगा? माइनस में। डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन देख लो। तो मैं ऐसे लिखूंगा, एफ माइनस एन इज इक्वल्स टू 4 × 2। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस एन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8 − 14, तो माइनस एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -6, और एन इज इक्वल्स टू 6। बोलो बोलो भाई, कोई दिक्कत है? नहीं सर, अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो एक सवाल मैं लिखने वाला हूं। ये सवाल खुद पढ़ के खुद समझना है, मैं नहीं समझाने वाला हूं, क्योंकि इस सवाल का वर्ड काफी अच्छा है, इस सवाल का शब्द काफी अच्छा है, ठीक है? इसीलिए सुनो, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको शब्द पहचानने के लिए भी होता है, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं। सो अरेंजमेंट ऑफ टू ब्लॉक, शब्द समझ जाओगे, खुद ही हो जाएगा आंसर, तुरंत मौखिक रूप से सॉल्व करके फेंक दोगे। मान लेना कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। क्या मानना है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ऑप्शंस ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। सी वाला, क्या सी वाला, सी भाई, ब्लॉक तो बनाया ही नहीं, कैसे आंसर निकाल दिया? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये अधूरा क्वेश्चन है। मैंने इसमें फोर्स भी नहीं लिखा है, फोर्स तो मैंने लिखा ही नहीं, कैसे तुम निकाल दिए? और आंसर तुम्हारा सही आया है ओमकार, लेकिन ये क्वेश्चन अधूरा है। अभी इसमें बताओ फोर्स कहाँ लिखा है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या, कहाँ लिखे हैं बताओ। नहीं लिखा, तो आंसर तुम्हारा कैसे आ गया? ये सही आंसर है, लेकिन कैसे आया?
मैंने वो मल्टीप्लिकेशन कर दी। कैसे देख रहे हो भाई? दोस्तों देख लिए इसको, क्वेश्चन लिखे भी नहीं कि आंसर आ गया, वो भी सही, क्वेश्चन लिखा भी नहीं गया है अभी तक। ये बहुत गलत बात है, अगर तुम चीटिंग कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। मैंने उसी दिन बताया था कि खुद से नहीं ईमानदारी सर, रखनी, नहीं सर, और अगर तुक्का मार रहे हो तो वो और भी ज्यादा गलत है, ये मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि मैं ठीक इतना स्टेप बाय स्टेप इतना स्लोली स्लोली बता रहा हूं तुम लोगों को जानबूझ के। क्यों ममता क्यों मरुनाली, धीरे धीरे नहीं बता रहे हैं क्या? बताओ तुम्हें लोग सर। लगता है कि चीटिंग की कोई गुंजाइश है या तुक्का मारने की? नहीं। मत करो भाई, तुमको एग्जाम देना है तो वहां पे कैसे चलेगा काम है? और रिकॉर्डिंग में भी अगर कोई सुनेगा तो कितना हंसेगा तुम पे, बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? मेरा आज सर क्यों घूम रहा है? मेरा जरूर घूमना सर, दिमाग नहीं अब बताओ आंसर जल्दी से। अरे रुकिए। सवाल लिख चुके हो तो मैं एक आगे सवाल लिख दूं क्या तब तक? हाँ, लिख दो। चलो मैं एक सवाल लिखता हूं। और मुझे एक बात बताओ वैष्णवी, तुम क्लास में हो या नहीं हो? क्योंकि एक समय ऐसा था कि तुम क्लास में काफी रिस्पॉन्ड दिया करती थी, उछल कूद मचाया करती थी, अब वो दिन नहीं रहा, क्यों? हाँ भी सर। मैं इसके पीछे का रीजन जानना चाहता हूं। बता जल्दी से देंगे। बोलो। अदरवाइज मुझे तुम्हारे खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ जाएगा। काफी स्ट्रिक्ट चाहिए एक्शन लेना, काफी स्ट्रिक्ट, काफी स्ट्रिक्ट। बोलो ले ले क्या? ले ले एक्शन। हाँ, हाँ भी चाहिए फिर। या तंबाकू वंबाकू मुंह में दबा के बैठी हो? हाँ शायद। लग तो ऐसा ही कुछ है। नहीं तो सर, गांजा को तंबाकू समझ के दबा रही हूँ। देखो फिर से आके रे सर इसको। क्या बोल रही है? शांत रहने के लिए बोलो। मैं इसका टांग काट लूंगा, टेंशन मत लो। हाँ अब सही।
सर टू मतलब फर्स्ट वाले का आंसर सी ही है ना। सर सर वैसे मेरा अभी लगता फोर है दो न्यूटन कोई और 8 न्यूटन आ रहा है सर। बहुत अच्छा। हाँ सी वाला। ये न्यूटन क्लास में कोई तो न्यूटन है क्लास में। ओमकार नहीं वैष्णवी है। अच्छा इसको तो कुछ काम धंधा ही नहीं है। सर इसीलिए वो हु कर रहे हैं। वो कुछ और काम कर रही है। तुम लोग मेरे बात को का यकीन करो, वो पक्का चैटिंग वैटिंग कर रही होगी, क्योंकि अगर वो पढ़ रही होती तो वो अभी उछल कूद करके जवाब दे रही होती। वो भी है। इसका मास है 2m, इसका मास है m, इसका मास है 2m, इसका मास है m। वो पहले वाला दिखाइए ना स्लाइड, पहले वाला क्वेश्चन का। हाँ और अब कर दीजिए सॉल्व। अच्छा सॉल्व कर दे। सर मेरा फोर न्यूटन और देखो एट उसका न्यूटन क्या आ रहा है। दिमाग है। चल सर आओ देखो देखो। ना, आओ छोटू देखो देखो, ये सवाल तुमसे क्या पूछ रहा पता है ममता? ये सवाल तुम्हारे साथ खेला कर रहा, ये पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, अरेंजमेंट ऑफ टू ब्लॉक सिस्टम एट सोल, ठीक है? ये सिस्टम देख लिया, बोल रहा द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg एंड 2 kg, यानी 1 kg के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और 2 kg के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, समझी? अब तुम बोलोगे अरे यार ये तो बहुत इजी है, हम एक काम करते हैं सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल देते हैं जो कि है 6 न्यूटन अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा 2 m/s², तो ये भी 2 से चल रहा है, ये भी 2 से चल रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा 2 × 1 कितना हो जाएगा भाई? मास इंटू एक्सेलरेशन कर दिए, m सर इंटू a किए हैं, तो मैंने कितना हो वैसा जाएगा ही 2, और इसका कितना हो जाएगा 4, खत्म, 2 न्यूटन 4 न्यूटन। हाँ इतना इतना आसान था, ना, मैंने वैसे ही मैं किया था। टेंशन शब्दों कैलकुलेट कर रही थी शब्दों के साथ खेल रहा था। वो क्या कर रहा था? शब्दों के साथ खेल शब्दों रहा के था। साथ ठीक रहा था। खेल। योगेश दादा हो गया था ना लास्ट वाला? अच्छा ओके भाई गोली वोली खा लो योगेश, नहीं तो तबीयत अगर ज्यादा खराब हो गया तो क्लास मिस हो जाएगा तुम्हारा। वैष्णवी लाइव इंसान, वैष्णवी ये क्या चल सर रहा है? तुम आपने हो कहाँ पे, बोल घर में हो क्या? दिया रुको मुझे इसे कॉल करने दो, नहीं। इसके माता पिता को। हाँ सर तुम घर में नहीं हो घर में ना, ही हूँ, सुन रही हूँ आपका सब। तो तुम सुनना नहीं है सॉल्व करना है, मैं तो कुछ सुना ही नहीं रहा हूँ, तुम चैटिंग कर रही हो, किससे दिखा सॉल्व कर रही हो, जरा कॉपी पे वीडियो दिखाओ, कैमरा क्या ऑफ। दिखा, आपको विश्वास हाँ नहीं है दिखाओ, ना। हाँ दिखाओ दिखाओ, क्योंकि पहले तुम काफी अच्छा रिस्पॉन्ड किया करती थी, वो भी एक जमाना था। लाइव इंसान, थोड़ा अभी वाला सवाल दिखाओ छोटू, अभी वाला यही है क्या? अभी वाला, अभी वाला तो यह नहीं है, ये स्क्रीन पे जो चल रहा ब्लैक ग्रीन नहीं सर अभी वाला नहीं नहीं है। है। हाँ वो तो नाम बोल, चेंज करने में ये लिखने का रह गया। तो तुम बोल क्यों नहीं रही थी, क्यों नहीं बोल पा रही थी? घर में सब सो गए होंगे। ज्यादा मार पड़ेगा क्या इसको? इसका आंसर बताओ, रेशियो का सर तुम्हें माली, आपने तुमसे उसमें फिक्स भी नहीं दिया। दिया तो मास 2m और m दिया है, नॉर्मल रिएक्शन तक लिख दिया है n1 और n2, फोर्स भी लगा दिया f। अब बताओ क्या क्या चाहिए तुमको? पर फोर्स कितना लगा? f लगा तो बताए, तो f लगा दिया। सर
क्या सी वाला है? टूरिस्ट गलत सबका जवाब सी ही है क्या? है भाई, मेरा सी सी था, आंसर गलत है। बी वाला नहीं। नहीं तो सेम है सर, फर्स्ट वाला नहीं तो सी वाला, दोनों में से एक ही है। फिर चलो दोनों गलत। कौन सा तक है? चलो चारों गलत है तुम्हारा, दो तो गलत है उनका, सर, डी वाला 1:3। गलत है। किसका फोन बचा? 1:2, 1:2 हाँ होगा फिर। यस, पर कैसे? बहुत हाँ इजी है, सर, वो कैसे आया वो बताओ। बहुत इजी है। क्या कैलकुलेट कर ले दोस्तों, सेम। यस सर। हाँ कर सर। ले मरु नाली, आओ कर लो कैलकुलेट, कर लो कर हाँ लो कर लो कैलकुलेट। कर ले कर मैं एक तरफ केस वन बना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं क्यों ना यहाँ पे एन वन का वैल्यू पता करूँ केस वन में? तुम बोलोगे इजी है, सबसे पहले आप यहाँ पे एक्सेलरेशन पता करो सिस्टम का केस वन में। तो मैं बोलूंगा इजी है, एफ अपॉन 3 m। बोलो कितने लोगों को इस बात से दिक्कत है? एक्सेलरेशन आ गया एफ बाई 3 m, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, इस ब्लॉक का मैं इस ब्लॉक की मदद से मैं एन वन कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर कौन सा एन वन काम कर रहा है, ये ग्रीन वाला या ब्लैक वाला? तुम बोलोगे ग्रीन वाला, क्योंकि ब्लैक वाला तो वाला। ग्रीन के ऊपर काम कर रहा है ना। तो चलो ना, मैं एक काम करता हूँ, कुछ देर के लिए इसका बना देता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम, ध्यान से देखो। सॉरी, अरे यार क्या बना रहे हैं? ये इधर और ये भी इधर, हाँ या ना? ये एफ है और ये एन वन है, और इसका एक्सेलरेशन अपने पास पता है और मास भी पता है, इसका मास भी हमें पता है 2 m। बोलो हाँ या ना? अरे पता है ना, कोई कुछ बोल नहीं रहा। हाँ हाँ चलो, मास भी हमें पता है, तो एन वन का वैल्यू आओ कैलकुलेट कर ले। क्या हम लिख सकते हैं एफ माइनस एन वन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन? बोलोगे हाँ बिल्कुल, एफ का वैल्यू एफ ही रखते हैं, एन वन का वैल्यू एन वन ही लिखते हैं, और एम का वैल्यू 2 m इंटू एफ बाई 3 m, ऐसा कुछ लिख सकते हैं? हाँ अगर ऐसा सर। कुछ लिख सकते हैं तो क्या मैं एम से एम को मार सकता हूं? तुम बोलोगे मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन बराबर एन वन बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस एफ माइनस एफ के फॉर्म में इधर आएगा, 2f/3 - f। तो एन वन बराबर क्या हो जाएगा, एन वन बराबर हो जाएगा 3 2f - 2f-3f। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अच्छा माइनस में तो आएगा ही, ये माइनस साइन मैं हटा दिया हूँ, आंसर क्या आ जाएगा? माइनस एफ माइनस बाई थ्री एफ बाय थ्री। यानी हमारे पास एन वन का वैल्यू आ गया है एफ बाई 3 सीधा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? केस नहीं। टू ले ले, केस टू इधर ले लेते हैं। हाँ और वो लिखना था, रुको, केस बाद में लिख लेंगे। टू, केस टू में आओ हम सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर ले। कर ले हाँ भाई, हाँ सर। क्या है टोटल फोर्स? एफ ही है, मास वही है भाई, वही आएगा एफ बाई 3 m। अब मुझे बताओ एन वन कैलकुलेट करना इससे इजी है ना, इसी से कैलकुलेट कर लेते हैं, आओ कर लो, कर ले भाई। हाँ आओ, एन टू, N2 सॉरी ना एन टू, सर। हाँ एन टू, एन टू, एन टू के लिए कौन सा वाला ले, ये ग्रीन वाला एन टू पे काम कर रहा है या ये ब्लैक वाला? कौन वाला, हाँ कौन सा? ग्रीन वाला। ब्लैक वाला, एम इस एम अरे पे काम हाँ। कर रहा है, ये ब्लैक वाला, ठीक है, डायरेक्शन तो देख लो। हाँ सर। ऐसे नहीं, हाँ ये है सर। एफ, ये है एन टू, ये है एन टू,
ये है एफ, और मास तो हमें पता ही है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं एन टू माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए? बोलोगे हाँ लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, तो एन टू, अरे यार एन टू माइनस एफ इज इक्वल्स टू, मास कितना है इसका? मास एम ही है, देख लो, एम इंटू एफ बाई 3m। भाई एमएम कट हो ये एम से जाएगा। एम मारा जाएगा, एन टू इज इक्वल्स टू एफ बाई 3 प्लस एफ, ये इधर आके प्लस हो जाएगा माइनस वाला एफ। अरे जी बोलो भाई, तो हाँ एन टू सर, हाँ इज सर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ टू एफ फोर एफ बाई बाई थ्री। 3 सीधा लिख दे क्या? हाँ किसी को कोई दिक्कत है इस बात से? नहीं नहीं शायद गलत तो नहीं बना दिया? नहीं माइनस एफ प्लस एफ, हाँ ठीक है, 4f/3, ठीक है, n2 3 4f/3। ओके, अब हमसे पूछा है n1 अपॉन n2 का रेशियो, तो n1 अपॉन n2 कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या है n1 का वैल्यू? n1 का वैल्यू f/3 अपॉन 4f/3, 1:4 आएगा क्या आंसर? मैंने कुछ गड़बड़ किया है ना? 1:4 तो है ही नहीं ऑप्शन एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ किया है। ये वैल्यू है में। f, ये है n2, ये है f। एक्सेलरेशन तो इसका f/3 ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इस n2 का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट किए? माइनस f, ठीक है, प्लस n2 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू f/3। एक सेकेंड, m इंटू f/3 m, हाँ ठीक है, m इंटू f/3 m। अच्छा, इससे कैलकुलेट करके देखे तो क्या आ रहा है n2, इसको इसका मास क्या है? 2 m है ना, इसका मास क्या है? 2 m, तो f/3 m × 2 m सीधा, तो ये कट गया, कट गया, 2f/3 आ रहा है आंसर। यानी हमने यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, इसका मतलब n2 में हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। एक काम करो, हम दूसरे ब्लॉक से सॉल्व कर लेते हैं, रुको, फिर देखते हैं इससे क्यों आंसर ऐसा आया, वो भी चेक करेंगे, बट टाइम खत्म होने वाला है ना, इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। सुन रहे हो मुझे? सुन रहे हो फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल? अरे बताओ भाई, हाँ।